नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि 7 जनवरी को मार्केट हमें कैसा देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं कि 5 जनवरी को हमें मार्केट कैसा देखने के लिए मिला था। 5 जनवरी को गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में चला गया और अपने डे हाई से रिजेक्शन लेके मार्केट सपोर्ट के ऊपर आ गया। निफ्टी बार बार में सपोर्ट के ऊपर आ रही थी, लेकिन बार बार में बायर्स ने यहां से इसको पुल बैक दिया था, लेकिन निफ्टी 21700 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में बायर्स ट्रैप होते हुए नजर आए थे। एक बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर आ गई थी। जिसने भी सपोर्ट के ऊपर कॉल की पोजीशन बनाई थी, सभी का इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सबके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में निफ्टी फिर से 21700 के लेवल के ऊपर आ गया है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें 7 जनवरी को मार्केट कैसा देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, चार्ट के ऊपर वीकली कैंडल लगाते हैं तो इसके अंदर हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एकदम बुलिश है। देखिए, इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी एकदम बुलिश है, तो हमें इस लेवल के ब्रेक का इंतजार करना है पुट साइड की एंट्री के लिए। लेकिन निफ्टी ने लास्ट वीक इस लेवल को टच करके फिर से ऊपर चला गया, तो हम इस लेवल को सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं। तो मंडे से नया वीक स्टार्ट होगा। अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से एक न्यू हाई की तरफ निकल जाए। चलिए अब देखते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मार्केट कैसा दिख रहा है। जैसा मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल आपको बताया था, उसके ऊपर मैंने आज के लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। 800 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है और 500 के ऊपर सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली फिर से देखने के लिए मिल सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको एक लेवल और दिखाना चाहता हूँ। ये लेवल है 21700 का। यहाँ पर पहले बराबर सपोर्ट ले रहा था मार्केट, फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद में रीटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आ गया अपने सपोर्ट के ऊपर। तो अब इस लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना गलत हो सकता है। निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बावजूद भी इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं और इसको ब्रेकआउट भी कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंतजार करना है। सपोर्ट की बात करें तो 21500 का लेवल है जिसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 21800 के लेवल के ऊपर अगर हमें शूटिंग स्टार देखने के मिलती है तो हम पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन 21700 के लेवल को देखते हुए कॉल या पुट की पोजीशन बनाना खतरनाक हो सकता है। निफ्टी इस लेवल के ऊपर साइडवेज रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। 21700 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ओआई यहां पे सबसे बड़ा है 1,16,000 का, और दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 21800 के ऊपर, यहां भी सेम ओआई खड़ा है। सपोर्ट की बात करें तो 21700 के ऊपर है और इसका ओआई दिख रहा है 88,000 का। दूसरा सपोर्ट दिख रहा है 21600 का, जहां पे हमें 83,000 का ओआई दिख रहा है। 5 जनवरी के कंसोलिडेट का कारण है ये 21700 का लेवल। यहां पे कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी। 7 जनवरी को 21700 से निफ्टी जिस तरफ भी जाएगा, नीचे और ऊपर 21600 पे सपोर्ट है और 21800 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो इसको रोकने का काम करेंगे। मेरी वीडियो से आपकी कुछ भी नॉलेज बढ़ी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।